भैया हमको पकड़ ही लिए श्री गुरु नानक, ये क्या ढाबा क्या है ना उसके नीचे, अच्छा ये रायसेन में ही पड़ता है। तो एक बार रायसेन में इंसिडेंट हुआ था, याद होगा आपको। सो भैया लाइव में आए थे और कैच किए मुझे। रैगनर चलो बैठो यहाँ, चलो बैठो इधर, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, सॉरी उसको जहाँ बोलता हूँ वही बैठता है वो प्यार से। इधर आ रैगनर, चलो बैठो सिट, बैठो 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 बैठो। तो यहीं पे राइस मेरा इंसिडेंट होता है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे सुल्तानपुर में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। अभी वो दोनों छूट गए होंगे शायद, हाँ छूट ही गए होंगे, बहुत दिन हो गया, बहुत लोगों 7-8 महीने हो गए, सर्दी की बात है, सर्दी की बात है, 7-8 महीने हो गए। भैया का ढाबा हो गया बहुत खूबसूरत। तो ये चटपटी और मलाई मार के दाल स्पेशली बनवाए भैया हमारे लिए, तो खाएंगे। भैया ये जो खाना है ना वो डॉग को दे दीजिएगा, ठीक है, और बस वो डब्बा यहीं कहीं भी छोड़ दीजिएगा, बर्बाद मत होने दीजिएगा, वो दे दीजिएगा। तो फाइनली अभी भैया लेकर के आए हैं जिप्सी। यार ये पुरानी वाली थार है यार, यही खूबसूरत थी, अब तो मतलब क्या बताऊँ, नई वाली थार एकदम पसंद नहीं है मुझे। ये रैगनर है यहाँ, अरे इतनी सारी सामान पड़ी हुई है, इसको थोड़ा बहुत मैं निकाल लेता हूँ, ये यहाँ से टैंक बैग बस निकाल लेता हूँ। तो हमको लगता है फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम नई वाली थार में तो शायद बैठा है रैगनार, ये फर्स्ट टाइम ये थार में, क्लासिक थार में। वाह पीछे फेंका मत जाना लो भाई, लो बहुत प्यारा लग रहा है, चाहता यही चाहता है, यही चाहता पानी चाहता है, इसका शकल तो देखो एकदम बोल रहा है मजा आ गया भाई, रुक के फायदा हो गया। तो नहीं, यही चाहता है, यही कार दिलवा। अच्छा इसमें पावर स्टीयरिंग है क्या ये गाड़ी में? पावर नहीं है, चलती पावर जैसी लगी, ये चलाए देखिएगा छटका मत, ये हाँ ये भी ठीक है। रैगनर आराम से बैठना नहीं तो पीछे फेंकाएगा, बता रहे ये सब कुछ बोलता भी देखो गजब की हरियाली है। तो कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? अपन भीमकुंड जा रहे हैं, भीमकुंड। तो हम लोग भीमकुंड जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, शिव जी का मंदिर नहीं। तो भीमकुंड किसके मंदिर? आप ही तो बोले शिव जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर भोजपुर आए। तो अच्छा वो भोजपुर हुआ और ये भीमकुंड हुआ, ये वाटर लेक मतलब वाटरफॉल। वाह 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 मस्त लग रहा है ये तो, ऐसा लग रहा है हम लोग फॉरेस्ट विभाग हैं। हाँ ये पूरा वही है, मेरे को ऐसे ही जगह पसंद आती है, अच्छी अच्छी लगती है बहुत एकदम, इसलिए मैं सोचा चलो आता हूँ, मैं समझ गया था कि हम लोगों को मज़ा आने वाला है। हाँ बहुत मज़ा आएगा। क्लाउड्स की चादर बिछी हुई है, ये वीडियो में दिख रहा है मस्त। तो विलेज भी दिख रहा है, प्यारे प्यारे विलेज, क्या जिंदगी है मेरा। पता दोस्तों मेरा सपना क्या है बड़ा, आखिरी मोड़ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक फार्म हाउस डालूंगा एकदम पहाड़ों के ऊपर और वहाँ पे फार्मिंग करूँगा, खेती करूँगा खुद के लिए, टमाटर लगाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है ना कि लोगों को ना अपने अनाज जो होता है वो खुद मतलब उगा करके खाएं, खुद का फार्मिंग थोड़ा बहुत करें, प्याज टमाटर आलू गेहूं, उसी को तो कहेंगे मेहनत का फल। हाँ, और खाने में भी क्या स्वाद भी आता है एकदम देसी, बिल्कुल एकदम मजा आ जाता है। देखना देखना बिल्कुल झांक रहा है यू। चलते चलते ये भैया फूल भी तोड़ के मेरे को दे दिए भाई, की तरह अरे यार ये गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, BMW वाली बाइक रख लो आप, ये दे दो मेरे को, ये उड़न तस्तरी बड़ा मजा आ रहा है, उछल उछल के उछल उछल के। भाई लोग छाती पकड़ के बैठ गए।
चलिए चलिए, मतलब इसको बोलते हैं थार का इस्तेमाल करना। और शहरी भाई लोग थार ले लेते हैं, उसको घर के नीचे खड़ा करके बस फोटो खींचते हैं कि मैंने थार ले ली। इनके पास सबसे ओल्ड मॉडल थार है और इसको बोलते हैं बढ़िया से यूज करना। बहुत मजा आ रहा है भैया आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो ऐसे ही मेरे को नशा चढ़ गया है अभी। और यहाँ पर अपन आ रहे हैं तो हमारा पॉइंट आ गया है। रेगनर आर यू ओके? हाँ सब ठीक है ना? खाना वाना तो सब पच गया होगा बेटा? तो अभी हम लोग निकलते हैं। चाबी, अरे साल कहाँ से उतर गया तू? वाह, अभी उधर से अपन लोग आ रहे। अरे यार इतनी बड़ी है ये, मेरे को लगा ना कोई छोटा सा होगा ये। हाँ अरे गाड़ी चालू है भैया, अभी मेरे जैसे केरले से ये सब में। अरे यार क्या गजब का माहौल है ब्रो, वाह 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 वाह। अरे ठीक है छोड़, अरे ठीक है बहुत, इतनी मस्त जगह है ना, एकदम प्यारी। आइट क्या, देखो 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 इसको, गजब का भाई, गजब का जगह है यार, गजब। अरे रुक जा, अबे रुक जा, यही तेरा खराब आदत है। मतलब वहां से पूरा स्कीड करके आप लोग यहाँ तक आ सकते हो। और वहाँ, अच्छा वहाँ डीप गहरा कहीं तो नहीं ना है? नहीं ना। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं, अपना खेल, जहाँ जाना है जा। पीछे जाइए, पूरा पीछे जाइए भैया, थोड़ा इधर। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है तो सारे लोगों को, वहाँ के जो लोकल है उनको बैठा दिया है, तो गाड़ी का वेट बढ़ गया पीछे का। तो अब देखो चढ़ जाएगी, और ये गाड़ी चढ़ गई। फाइनली दोस्तों, लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ी गई, पहाड़ से उतर गए, रास्ता ढूंढ रहे, रास्ता उधर है राइट साइड, पीछे मत लीजिए उधर राइट, वहीं से लीजिए ना, पूरा पहाड़ पे भैया गाड़ी चढ़ा दी, अभी वीडियो नहीं बना पाए। वो देखो उधर है वहां रास्ता। भोजपुर शिव जी का मंदिर है भैया। अभी हम लोग भोजपुर चल रहे हैं, ये दूसरी गाड़ी है। आह
यहाँ पे आ गए हैं भोजपुर। भोजपुर जाने से पहले ये एक डैम भी है छोटा सा, एकदम धुआंधार डैम। हाँ, धूप काफी खतरनाक आ गई है क्योंकि बारिश हुई है, पूरा बादल इतने को। राजनर चली करो, क्या हुआ भाई, रुक गया, गाड़ी पलट रही है क्या, क्या हुआ? किसकी गाड़ी है? अरे अरे तुमको नहीं जाना है यार, तुम कुछ इधर आओ, कम चल इधर आओ, चल इधर आओ, ये गाड़ी सही है। ए रेगनर इधर आओ, फिर चलो इधर 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 आओ ना यार, वापस करो, सीधा करो, बैक सीधा करो, रैगनर इधर आओ। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर भोजपुर शिव मंदिर, शिव मंदिर और इधर भोपाल। अरे काफी दूर है लग रहा है। छोड़ दो अभी, कुछ मत बोलो, नहीं तो बोलेगा किसका डॉगल लेके जाना। छोड़ दो उसको, जहाँ जहाँ जा रहा है जाने दो अपने आप, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग की है। रैगनर रैगनर ए, अच्छा बंदर दिख गया इसको, बंदर दिख गया रैगनर को। थैंक गॉड प्रांगण तक तो परमिशन मिल गया है, सॉरी भोजा आई थिंक जो परामर। अरे रैगनर ये इसका अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, इसकी कहानी अधूरी है। सही बात है। तो ये रहा वो दोस्तों मंदिर। अभी मत, वहीं रुको, आ रहे बस दो मिनट में ना। क्या खाएगा? वहीं रुको, वहीं। वहाँ है रैगनर। चलो वहीं बैठो। वाह, अंडर कंस्ट्रक्शन में ही बहुत अद्भुत लग रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है। दोस्तों बहुत दिनों से आप लोगों को अच्छी वाली एडवेंचरस वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता ही होगा इस महीने हम लोगों ने गाड़ी ली है, कैसे कैसे जुगाड़ करके पुरानी गाड़ी एक लिया है, उसको हम लोगों ने सर्विस सेंटर में डाला है, तो थोड़ा सा बजट गड़बड़ा गया है, तो इसके वजह से निकल नहीं पा रहा हूँ। और रैगनर भी बेचारा काफ़ी परेशान हो गया है, खाना पीना बंद कर देता है, आपको पता ही होगा घर में बैठे बैठे वो बोर हो गया है। तो अगर आप चाहते हो कि हम लोग तुरंत से निकले कहीं और एक मुहिम छेड़ाऊँ, मैंने आपको पता ही होगा दिल्ली जाना है, जानवरों के प्रति जो ये क्रुएलिटी दिखाई जा रही है, कुत्तों का जो इमेज ख़राब किया जा रहा है, उसको लेकर के बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें, सहायता करें, डोनेट करें ताकि जल्द से जल्द मैं गाड़ी लूँ और इस बार आप लोगों को काफ़ी कुछ तूफ़ानी वाला एडवेंचरस वाला आप लोगों को ब्लॉग दिखा पाऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ आप लोग मदद करेंगे ताकि जल्द से जल्द हम लोग निकलेंगे।